ओम शांति। आज है मकर संक्रांति, तो कहते हैं तिल गुड़ खाइए और गुड़ जैसा मीठा मीठा बोलिए। तो आप सर्व को गुड़ जैसी मीठी मीठी हृदय से शुभ भावनाएं और आपके प्रति शुभकामनाएं। आज की तारीख है 15/1/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/11/93 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। सभी को अंदर में रूहानी नशा चढ़ता है कि हम कितने परम 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 सौभाग्यशाली हैं जो हमें परमात्म दुलार प्राप्त हुआ है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो, इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकुर है कि मेरा हरेक बच्चा राजा बच्चा है। हरेक बच्चा कैसा है? राजा बच्चा है। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है? सब राजयोगी हो तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना, तो वो प्रयोग प्रजा योगी कब आएंगे? तो प्रजा कब आएगी? जिस पर राज्य करोगे। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा द्वारा टाइटलों के साथ मिला हुआ दुलार भरा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व राज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियां संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु क्या कहते हैं, हमें वरदान देते हुए कहते हैं कि बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो, जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय उनको देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की भी कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समा कर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।